भृगु नदी नाड़ी राशियों को नहीं लेता है, लेकिन फिर भी हम राशियों की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, अगर आप BNN में वैदिक का तड़का लगाएंगे, वैदिक ज्योतिष का, तब आपको मजा आएगा। अगर आप वैदिक ज्योतिष का तड़का नहीं लगाएंगे तो BNN अकेले सक्षम नहीं है आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, कुछ सहमत लोग सहमत हो ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज अ हार्श रियलिटी। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माई रिसर्च कि अगर आपको उपाय ढूंढना है तो केवल BNN काम नहीं करेगा। BNN बहुत बढ़िया चीज है, हर व्यक्ति को BNN सीखना चाहिए, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। इसके लिए हमें समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा कि कितनी राशियां टोटल 12 राशियां हैं। मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इनका एक स्वभाव है, उन स्वभाव को जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इन सभी राशियों की एक संख्या है, असाइंड है, राइट? संख्या अर्थात ये दो, एक नंबर राशि कौन सी है? मेष राशि है। दो नंबर राशि कौन है? टॉरस अर्थात वृषभ राशि है। तीन नंबर राशि मिथुन। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं आपको भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, याद करने की विधि है बट वो टॉपिक हमारा नहीं है। चार नंबर राशि कौन सी है? कर्क है। और आप देखोगे इन इन राशियों के नंबर के साथ साथ इनका एक चित्र अंकित किया हुआ है। वो चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो चित्र आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है, कुछ बताने की कोशिश करता है। वो आपको कुछ दिखा रहा है कि बॉस मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव क्या है। और यह भी BNN को समझने के समय आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, पांच नंबर राशि सिंह राशि है, सिंह का स्वभाव क्या आप वो समझने का प्रयास करो। छह नंबर राशि कन्या राशि है, अब कन्या का चित्र दिखाया गया तो कन्या का स्वभाव समझिए। सात नंबर राशि तुला है, यहाँ पे एक तराजू दिखाया गया है, तो जो चित्र है वो चित्र ही पर्याप्त है आपको उनके स्वभाव को बताने के लिए कि इस ग्रह का क्या स्वभाव है, मतलब इस राशि का क्या स्वभाव है, तो यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट किस स्वभाव में होंगे। ठीक है जी, अब हम इन राशियों को जब डिटेल स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, तो इससे हमें कुछ पिक्चर समझ में आएगी कि इन स्वभाव के अनुरूप ये क्या बोलना चाह रहे हैं। और उन पिक्चर को जब हम BNN से लिंक करेंगे, मेरा जो प्लैनेट है वो क्या बोलना चाह रहा है, तब आपको उपाय ढूंढना आसान हो जाएगा, इसलिए मुझे लगा ये बताना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, इसके स्वामी कौन है? मंगल है। ठीक है जी, मेष राशि के स्वामी मंगल है, ये हर व्यक्ति को पता होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब आप पेपर पेन ले लीजिए, मैं बताना चालू करता हूं इसका स्वभाव क्या है। मार्स क्या है? ऊर्जा है, एक एनर्जी है, इसीलिए मार्स। हाँ प्लीज म्यूट मैम। दे मैम आप लोग क्यों ऐसा करते हो? ठीक है, तो मार्स क्या है? एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या है? एक एनर्जी है। तो इसीलिए जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बहुत जिगर वाला व्यक्ति है, इसके बहुत करेज है, इसके बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ये बहुत गुस्से वाला है, तो यह सब आप बोलोगे कहीं ना कहीं अगर मेष राशि इन्वॉल्व होगी तो आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति के पास क्रोध बहुत है, ऊर्जा बहुत है, एनर्जी बहुत है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, मंगल मेष राशि में, मेष राशि में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है या बहुत कंफर्टेबल हो जाता है? एनीबॉडी? सूर्य सूर्य। सूर्य सन सूर्य, सूर्य का राशि कौन सी है? पांच पांच नंबर नंबर राशि से लियो लियो। लियो ठीक है, अब सूर्य से नवी राशि है। आप बोलोगे सर नवी राशि कैसे हो गई? मैं सूर्य को केंद्र बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सूर्य का भाग्य कौन तय करता है? मंगल तय करता है, नहीं मेष राशि तय करती है। ठीक है, ऐसे ही तुला राशि किसकी है? शुक्र की। शुक्र शुक्र, को ठीक है, अब शुक्र क्या है? आपका लाइफ पार्टनर। अगर आप बोलो, क्योंकि बैलेंसिंग है, आपका अदर हाफ, आपकी पत्नी, आपका पति, हम उससे देखते हैं, तो अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी का सप्तम भाव उसका पति हुआ, मतलब आप हुए, समझ गए? आमने सामने लिंकेज हुआ, नहीं हुआ, राइट? अब
हम मेष राशि को क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही आप हर एक से लिंक बना सकते हो मेष राशि का, कि कौन सी राशि इससे क्या डिमांड कर रही है, कौन सी राशि इससे क्या डिमांड कर रही है, ये लिंकेज भी आपको समझ में आएगा। इसलिए जब आप उपाय करने जाओगे तो ये लिंकेज के तर्क से भी आप उपाय कर सकते हो। जैसे कि सेजिटेरियस से यह पंचम राशि हुई मेष राशि, ठीक है, मकर से कौन सी हुई, मकर से कौन सी हुई, फोर्थ फोर्थ, टॉरस से कौन सी हुई, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ। तो ये कभी ना, इस पे हम लोग एक दो सेशंस लेंगे, दो सेशंस इसको स्पेशली लगेंगे इनके स्वभाव को समझने के लिए राशियों को, ये मुझे याद दिला देना आने वाले समय में, भविष्य में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सेशन रहेगा कि आपका चार्ट आपके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है जी, क्योंकि ये राशि भी पर्याप्त हो जाती है आपको बहुत कुछ बताने के लिए, ठीक है। अब मंगल की जब बात करें, अगर मैं मंगल की बात करता हूं तो मंगल की क्वालिटी क्या होगी, वो उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर ऊर्जा है, मेष राशि की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, आप खुद डिकोड करने का प्रयास करो। एनीबॉडी? सर, इनिशिएटिव जल्दी से लेते हैं ऐसे लोग इनिशिएटर, मिल रहा। इनिशिएटर, बिल्कुल सही। तो ये क्या इनिशिएटर है, हमारा जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, यहीं पे व्यक्ति का जन्म हुआ, तो ये आपका इनिशिएटर है। उसके बाद और क्या बोलोगे इसको, क्योंकि मंगल जो है यह हाई एनर्जी है, जब भी कोई व्यक्ति किसी एग्जाम को देने का प्रयास करता है, तैयारी करता है, तो उसमें यह राशि का योगदान होगा, क्योंकि जब तक आप ऊर्जा के, एक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे नहीं, हाँ, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉम्पिटिशन की भी राशि है ये, कॉम्पिटिटिव भी बोल सकता हूँ मैं इसको, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, जी सर, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब तैयारी, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए मेष राशि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद और क्या हो सकता है, सर मशीनरी, क्योंकि प्रोटेक्टर टेक्निकल, मशीनरी टेक्निकल, ठीक है, अर्थात में टेक्निकल बोल, जितनी टेक्निकल चीजें हैं वह सब मंगल है। आप रिलेशन में कहूँ तो आपका बड़ा भाई मंगल है, आपके भाई का जो संबंध है मंगल है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि इसका तत्व कौन सा है, ये तो आपको बच्चे बच्चे को पता चल गया होगा अभी, इस राशि का तत्व अग्नि कौन सा है, तत्व अग्नि तत्व, परफेक्ट। और इसका डायरेक्शन कौन सा होता है, ईस्ट डायरेक्शन, सर, ठीक है। और कुछ कोई बताना चाहेगा इस राशि के बारे में, प्रोटेक्टर पांच हो होती है सकता है। वो, ठीक है, वो हो सकता है, बात की बात है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है। अब उसको पॉजिटिव होगा तो प्रोटेक्टर है, नेगेटिव होगा तो डिस्ट्रक्टर है, वो एनर्जी में लेना है, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब शरीर में किस पार्ट को, सर शरीर में किस चीज को ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, मंगल, ब्लड सर ब्लड को ब्लड, ब्लड को ब्लड, ब्लड ब्लड, ब्लड, ब्लड। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बोलता है ना ब्लड रिलेटेड समस्या, सबसे पहले कहाँ ध्यान जाना चाहिए, मेष राशि को पे, और किस पे जाना चाहिए, मंगल पे, क्योंकि इसी ने इनिशिएट किया होगा उस ब्लड में कहीं ना कहीं दिक्कत। अब वो ट्रांजिट में हुआ या उसकी कुंडली से हुआ, ये कौन देखेगा, आप देखोगे, सहमत हो इस बात से। अब हम अगली राशि जी की सर, जब बात करते हैं, अगली राशि किसकी है, वीनस, ठीक है, शुक्र इसको हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, वीनस, वीनस का क्या स्वभाव है कोई बताएगा, क्योंकि शुक्र की राशि है, लग्जरी एक एक मिनट, शुक्र की राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये कौन सी राशि थी, ये हेड था आपका, ये आपका सर था ना जी, काल पुरुष जी की कुंडली के हिसाब से आपका सर था। अब जिनको पता नहीं होगा काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, मैं बता दूं, जब किसी व्यक्ति को मैं खड़ा करता हूं, जैसे एक व्यक्ति है हाड़ मास का पुतला, ओके, कोई भी व्यक्ति, आप हो मैं हूं, तो उस व्यक्ति का जो शरीर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो एक नंबर राशि होती है, जैसे 12 नंबर है ना, ऐसे हमारे शरीर को 12 भागों में डिवाइड किया गया है, ओके, 12 इक्वल पार्ट्स, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ हमारा शरीर, ओके। वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं नए लोगों के लिए, ठीक है, मेरा चित्र थोड़ा अच्छा नहीं होगा इसलिए मुझे क्षमा कर देना आप,
थोड़ी देर बाद ये बात बोलना, सर आपने इसका हाथ नहीं बनाया, चलो हाथ भी बना ही देता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कालपुरुष की कुंडली का जो कंसेप्ट है वो सीधा सीधा एक बात कहता है, वो ये कहता है कि जो मेरी ये सिर है ये मेरा एक नंबर राशि है, गला जो है मेरा दो नंबर राशि। दो नंबर राशि है, ठीक है जी। फिर तीन नंबर राशि क्या है आपका? चेस्ट, हाथ है सर, हाथ। हाथ, हाँ हाथ, चेस्ट नहीं है, चेस्ट चार जी नंबर सर, है, चार ठीक नंबर है। है। अच्छा इसीलिए जब किसी को ब्रेस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट कैंसर इन सब केसेस आते हैं, तो मैं पहले मून को देखता हूँ, उसका कारक मून होता है, ठीक है। लीवर जो है पांच नंबर, ठीक है। उसके बाद छह नंबर क्या है आपका? इंटेस्टाइनल का एक पार्ट जो इनिशिएटर पार्ट है, आप ठीक है। लोअर एब्डोमेन क्या है, जो जो आपका बैलेंसिंग है, सात नंबर, ठीक नंबर है। आठ नंबर क्या है आपका? जेनिटल, जेनिटल एरिया, जेनिटल रेक्टम रेक्टम एरिया, प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है जी। नौ नंबर क्या आपके? थाइज, एरिया, घुटने, थाइज। 10 नंबर आपका घुटना, ठीक है। फिर 11 नंबर आपके घुटने के नीचे का हिस्सा, और 12 नंबर क्या है आपका? तलवा, ठीक पीठ है पीठ जी। अब यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम वीनस की बात करें तो वीनस क्या है? गले का वो हिस्सा है जो बैलेंस चाहिए जिसको, मतलब उसको वो जो बैलेंसिंग हिस्सा है कहाँ के? देखो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्यों कहलाता पता है? एक तो गले के इधर भी बैलेंस कर रहा है, और एक वो इधर कमर के इधर भी बैलेंस कर रहा है, राइट सर, काल पुरुष की कुंडली में हाथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैम? हाथ तीन को कौन से साइन? तीन नंबर बता दिया ना मैम, अच्छा, तीन गवंस हैंड ऑल्सो। ओके सर, ठीक है मैम, ओके। तो यह बेसिकली डिपेंडल हिस्सा है, डिपेंडेबल हिस्सा है, और इसका कनेक्ट कहीं ना कहीं इमोशन से है, और इमोशन से क्यों है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, इसका कारण भी है, ठीक है। और क्या हो सकता है ये? अच्छा, मंगल जो है मेल राशि थी, ये पहली नंबर की राशि मेल थी, ये फीमेल राशि है, ठीक है। वैसे मेल फीमेल का हम उतना यूज करेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद वीनस क्या है? लग्जरी है वीनस, और क्या है? अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड, तो वो कहीं ना कहीं ये राशि है, वृषभ राशि है, ओके। एग्रीकल्चरल लैंड, अगर मंगल वृषभ राशि में हो, उसका कनेक्ट आपको एग्रीकल्चर लैंड से मिलने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाती है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। और कुछ बोलना चाहेगा इसमें? तत्व कौन सा है? वाटर, पृथ्वी पृथ्वी तत्व, तत्व, अच्छा पृथ्वी तत्व, डायरेक्शन कौन सा है? वीनस साउथ, का लिया मैंने, साउथ साउथ। साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। यहां तक पिक्चर क्लियर है? जी अच्छा, अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है तो एरीज क्या होना चाहिए? सन कहाँ से उग रहा है? पहाड़। हम चित्र देखते क्या दिखते हैं? पहाड़ों के बीच से, दो पहाड़ों के बीच में, ठीक है। क्या है? सूर्य उग रहा है, तो ये क्या है? माउंटेन्स। जब भी माउंटेन्स की जिक्र आएगी, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना पहाड़ों में, इसको बोलो घूम के चला है, कनेक्ट एवी से होगा तो बोल दो पहाड़ों, क्योंकि हिल्स पहाड़ों पे चला जाए, जंगलों में चला जाए, ठीक है। देखो उपाय कैसे दिए जाते हैं, आप लोगों को समझ में आने लगा? ठीक है, हम कारक को समझते हैं, बीएनएन राशि के कारक को नहीं समझ मानता, लेकिन उसी तर्क पे हमें राशियों के कारक को भी जब समझेंगे तो हमारे लिए उपाय ढूंढना बहुत ही सहज हो जाता है, ओके। उसके बाद ये क्या है? गला है, गला ये हम लिखना भूल गए ना, क्योंकि हमने अभी अभी बात की थी, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो गला है वह क्या है? वृषभ राशि है। चलिए अब हम मिथुन की बात करते हैं। मिथुन का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी अर्थात बुध। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? सर, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, परफेक्ट आंसर, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। इसको कौन सा कलर ले ले? कोई भी एक कलर ले लेते हैं, इंटेलेक्ट, ओके।
अब ये थर्ड हाउस है बेसिकली इंटेलेक्ट प्लस कम्युनिकेशन में। इंटेलेक्ट से ज्यादा पे कम्युनिकेशन बेटर वर्ड आपने वैसे यूज किया था, क्योंकि मर्क्यूरी इज इंटेलेक्ट, बट थर्ड राशि इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अप्रिशिएट इट, ठीक है, सो इट्स कम्युनिकेशन। उसके बाद इसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि इसको हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, ये ड्यूअल राशि मानी जाती है, यह कम्युनिकेट करती है, यह नॉलेज का कारक है, क्योंकि नॉलेज आप इसी से देते हो ना। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना, ये मैं थर्ड हाउस को यूज कर रहा हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन नॉलेज दे रहा हूं, किसके माध्यम से, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एक्टिविटीज भी यहां से आप देखते हो थर्ड राशि से, क्लियर, एम आई राइट अराउंग। इसके बाद जितने पार्क बिल्कुल और गार्डन्स है, हाँ, वह सभी क्या है, 3 नंबर की राशि। लेकिन इसके साथ साथ जब हम गैम्बलिंग की बात करते हैं, ये सब भी 13 नंबर की राशि है। और आपके शरीर का कौन सा हिस्सा रिप्रेजेंट करती है, हैंड और सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब वो जो नर्व्स जो हाथ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी, क्लियर। और तत्व कौन सा होगा, एयर तत्व एयर एलिमेंट। और इसके बाद तत्व हो गया, डायरेक्शन कौन सा होगा, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन, परफेक्ट। कर्क पे चले जाते, इसको हम क्विकली कवर कर रहे, ज्यादा तेजी से जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। मून, मून की ये राशि, ओके, मून की ये राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इमोशंस, अगेन, मन ठीक है। अभी देखिए, यह जल तत्व था, प्लैनेट पृथ्वी से कनेक्टेड है, पृथ्वी तत्व से, इसलिए ये इमोशंस है। कहां पे, भौतिक जगत में इमोशन। 2 नंबर की राशि आपको कनेक्टेड मिलेगी, तो आपको वह भौतिक जगत में कनेक्टेड मिलेगा, भौतिक जगत में इमोशंस में होगा। ऐसे लोगों के साथ आप अक्सर, बहुत इजी होगा प्रेडिक्ट करना, तुझे धोखा मिला है क्या, आप कोई व्यक्ति डिस्टर्ब आता है, आपको लगता है कि उसका 2 नंबर की राशि एक्टिव है, क्या बोलोगे, आपको लाइफ में धोखा मिला है क्या, क्योंकि वो भौतिक भोग की वजह से उसको वो इमोशंस में आया है। और उसमें प्लैनेट मर्क्यूरी इन्वॉल्व होगा तो क्या बोलेगा, पक्का गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, पक्का बॉयफ्रेंड छोड़ के गया है। अब मुझे बताओ, प्रिडिक्शन कोई मुश्किल काम है हम जो डिस्कस करते, बताइए। ऑनलाइन चीटिंग वगैरह होती है। हेलो सरल जी, म्यूट कर लीजिए। हम प्रिडिक्शन कोई मुश्किल काम लग रहा है मुझे, बताइए। हाँ, अगर अगर आप, दो सेकेंड नंबर राशि में मून हो तो हाउ टू मैम, हम एप्रोच। जाएंगे जाएंगे, हम उसका सब पार्ट करेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप तो क्वेश्चन तुरंत चालू हो जाते हो अपना चार्ट देख करके, अपने चार्ट को इसे थोड़ी देर, रिलेटेड आप थोड़ी देर, आप, रिलेटेड है ना सर, वीनस एंड मून, इसलिए हाँ मैं अगर बता रहा सेकेंड हूँ, कौन हो मैम, मून मन का कारक है, मून मन का कारक है, वो रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा इमोशन, इमोशन मैंने कहा भोग, भोग क्योंकि पृथ्वी तत्व है, ठीक है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने तत्वों के बेसिस से बोला था, वीनस जल तत्व प्लैनेट है, बैठा राशि कौन सी है, पृथ्वी तत्व, लॉर्ड किसका है, पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी तत्व क्या है, जमीन, भोग की बात कर रहा है, उस भोग के अंदर अटका हुआ व्यक्ति है वो। अब उसके अंदर मर्क्यूरी बैठे, जो भी प्लैनेट बैठे, मार्स बैठे तो भाई से धोखा मिला है, मर्क्यूरी बैठे तो बेसिकली रिलेशन में धोखा मिला है, ठीक है। तो ये चीजें आप उसको समझ सकते हो उस व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से, जैसे वो बोलता है कि मुझे, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, डिस्टर्ब हूँ। ये एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमें कैसे राशियों से पकड़ना है। अभी हम उसके डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। ओके सर। इसलिए मैं राशि बता रहा हूँ ना, ताकि आप लोग को समझ में आए, ये चीजें रिकॉलेशन में रहेगा, आप अब इसको नोट डाउन कर ही रहे होंगे, ठीक है। व्यक्ति इसमें मूडी होता है 4 नंबर राशि में, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, फिर अनस्टेबल होता है, डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर राशि इन्वॉल्व होती है तो नेगेटिवली, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, हमेशा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद और क्या है, ये हाउस किसको, इंटेलिजेंस ये हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर। मेरे ख्याल से रिलेशंस भी हम यहीं से यहीं पे ले लेते, बेटर रहेगा ना। सर मदर। ये मैंने क्या क्लिक कर दिया, ठीक है जी, मदर ना, सर ये घर के एनवायरनमेंट को भी दिखाता है ना। बिल्कुल घर के एनवायरनमेंट को दिखा सकता है, बिल्कुल क्षमता उसके घर के एनवायरनमेंट को दिखाने की, ठीक है।
अभी आप लोग के डिस्कशन में मुझसे कोई बटन क्लिक हो गया, ये अब आगे जो बड़ी नहीं है, आई डोंट हैव अ चॉइस, व्हाट टू डू। पर वो शायद एस्केप सीधे दबाइए। बटन क्लिक हो गया है रादर देन द ब्रश। मेरे ख्याल से एक बार ब्रश क्लिक करेंगे तो इट शुड बी बैक। वो क्लिक ही नहीं हुआ वैसे। ओके आप देखो, इट गॉट स्टक। एस्केप दबाए एक डन बार डन डन एस्केप। इट डन इट डन इट डन इट डन इट, थैंक यू। ठीक है, ओके, सॉरी, गोइंग बैक टू द बेसिक्स। मून, ओके, सो मून इज इमोशन। सॉरी, आई एम नॉट दैट टेकी विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया स्टफ सर। ओके, इमोशंस, गोइंग बैक टू द बेसिक्स। अब ये इमोशन होता है, अब इमोशन क्योंकि कि वाटरी प्लैनेट है, ये आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब ये आपकी मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ हाउस, तो थर्ड हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यंगर सिबलिंग्स, यंगर ब्रदर यंगर ब्रदर, यंगर सिबलिंग। ठीक है जी, ठीक है। और अगर ये यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली को। फर्स्ट हाउस किसकी बात कर रहा है? सेल्फ की बात कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट? हाँ, नो नो सर। ठीक है, धन्यवाद। अब ये मदर की बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है? ये चार नंबर राशि, कंफर्ट हाउस ट्रैवल रिलेटेड बात कर रहा है। बिल्कुल, ट्रैवल का कारक है ये हाउस, ये राशि ट्रैवल का कारक है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर बिजनेस भी आप यहाँ पे देख, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड था जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये एग्रीकल्चर का प्रोफेशन है। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फूड रिलेटेड स्टफ्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल का कारक है, तो क्या हम इसको इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। अब तत्व वाटर एलिमेंट है ये, ओके। उसके बाद वाटर एलिमेंट है, डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ, नॉर्थ ठीक है, आगे बढ़े। और बॉडी में, हाँ, बॉडी पार्ट्स रह गया एक, बॉडी पार्ट्स में क्या ही है? चेस्ट, यस चेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया, लंग्स आ गया इसमें, हार्ट हो फिर हार्ट। नहीं मैम, हार्ट यहाँ से नहीं लेंगे हम, ठीक है। चेस्ट, हार्ट फोर से नहीं चेस्ट, लेंगे इसमें ना ना ना, हार्ट का कारक लियो है, ठीक है। चेस्ट, लंग्स, ठीक है जी, ये आ गया इसमें। और जैसे आपका कफ का जो पार्ट होता है ना ऊपर का, लंग्स के साथ साथ वो कनेक्टेड पार्ट, वो सब है। ओके, नाउ गोइंग बैक टू द सन। ओके, सिंह राशि, सिंह राशि क्या है? किंग है ये, जी। किंग है, किंग, मानते हैं बात? किंग का स्वभाव कैसा होता है? रूलर, रूलर है ये, इसीलिए ये यहाँ पे जाकर के उच्च का हो जाता है। समझ में आई बात? सो कॉल्ड, क्योंकि वो जहाँ पे इनिशिएटन होता है ना, क्योंकि राजा जो होता है हमेशा इनिशिएट करता है चीजों को, सबसे आगे रहता है, ठीक है। ये रूलर है, उसके बाद क्या है? ये किंग है, और क्या है बताते जाइए। यह हाई एनर्जी है भी, ओके। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कुछ एस्ट्रोलॉजर तो आंख बंद करके एक ही काम करते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए मेरे भाई लोगों। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत सिंपल टेक्निक यूज करते हैं। सुनीता मैम, म्यूट प्लीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई लोग इसका बहुत यूज करते हैं। सन का और सन की राशि लियो होगा जब भी ये इन्वॉल्व होगा। अरे आप तो सरकारी नौकरी करोगे, आप तो सरकारी नौकरी करोगे, उत्तर भारत में स्पेशली बहुत बड़ी प्रथा है। बट ये प्रेडिक्शन टेक्निक गलत है, क्योंकि केवल सन ही एक कारक नहीं होता है, ठीक है। अगर मैलिफिक इफेक्ट में हो तब क्या, ठीक है। फिर इसी का उपाय करते रहेंगे उनके। एक बहुत आसान सा उपाय, सूर्य को जल दो, वॉट एवर इट इज, ठीक है। सूर्य की राशि, ये केव्स, फिर माउंटेन्स, ठीक है, जंगल, इन्हीं सब चीज़ों को ये भी रिप्रेजेंट करती है ये राशि भी, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, जंगल इन सब को रिप्रेजेंट करती है फॉर श्योर, ये भी सेम ही होना चाहिए। उसके बाद बॉडी पार्ट्स में ये आपका हार्ट है,
स्पाइन है, ठीक है, अपर पार्ट, डायरेक्शन में ये आपका ईस्ट है, तत्व आपका कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व, ठीक है जी। अभी मैं, रिलेशन में चिल्ड्रन हाँ, रिलेशन में आपके कौन ही है, सन, पिता SON सन, किड्स और FATHER फादर फादर, फादर और आपकी सोल। SOUL सोल, सोचो। अगर 5 नंबर राशि स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता वेट है ना। वेट वेट वेट, 5 नंबर राशि, इट कैनॉट बी फादर, 5 नंबर राशि फादर नहीं हो सकती, सन हो सकती है, सोल हो सकती है, क्योंकि फादर इज 9 नंबर राशि, ठीक है। अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कहीं ना कहीं 4 नंबर राशि का लिंकेज आता है, ठीक है, तो आप एजुकेशन को भी यहाँ पे ले सकते हैं। एजुकेशन के लिए 2 राशियां होती है, 4 नंबर 5 नंबर दोनों, ये क्योंकि आपका बेसिक एजुकेशन है, 4 नंबर हायर एजुकेशन है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे 6 नंबर राशि की, क्योंकि हमें राशि खत्म करके आगे ही बढ़ना है। ओके, 6 नंबर राशि किसकी, इसका लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अब मर्क्यूरी लॉर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्क्यूरी के बारे में बता रहा हूँ, मैं राशि के बारे में बता रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, ओके, सो प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज। 6 नंबर राशि का लॉर्ड मर्क्यूरी है, इस राशि का स्वभाव क्या है, क्योंकि यह जो है राशि, यह कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो 6th हाउस होता है, 6th हाउस किसकी बात करता है, डिसिप्लिन, तो ये राशि किसकी है, डिसिप्लिन की राशि है, तो इसको मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, एकदम परफेक्शन की बात करता है ये, अगर यहाँ पे परफेक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, सो दिस रिप्रेजेंट परफेक्शन, मैं इसको परफेक्शन वर्ड बेटर यूज करूंगा, मेरे ख्याल से ये वर्ड बेटर होगा यहाँ पे। इसके बाद और कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इंटेलिजेंस, क्योंकि जो भी बंदा हायर एग्जाम्स क्रैक करता है, ISPCS वगैरह की, उसके लिए कहीं ना कहीं एक एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव भावना चाहिए, वो भावना उसको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस देता है, तो इसलिए मैं इसको इंटेलिजेंस की बात करता हूँ। देखिए, मर्क्यूरी की पहली राशि जेमिनी थी, जिसको मैंने कम्युनिकेशन और नॉलेज की बात की, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं कहा था, पहले मैंने लिखा फिर मैंने निकाल दिया, वो इंटेलिजेंस किसके पास है, वो किसके पास है, वह 6 नंबर राशि के पास है। और क्या इसका बिल्कुल स्वभाव, और क्या इसका स्वभाव, जल्दी बताइए, टॉलरेंस लेवल कैसा है इसका, कम है या नहीं है, ठीक हाँ है, जी सर। हाँ, तो वो भी एक हमें देखना पड़ेगा। और क्या होना चाहिए यहाँ से, आप और क्या क्या देख सकते हो 6 नंबर राशि से, चैलेंजेस, चैलेंज देखो डेप्थ राशि चैलेंजिंग तब है जब ये निगेटिव है, तो वो तो मैं, वो तो हर राशि चैलेंजिंग है अपने आप में, ठीक है, हम उसको इस सब से ना ले, गुड मैनेजर। मैनेजर बोल सकते हो आप, दिस इज अ मैनेजेबल राशि, ठीक है। अब ये मैं, ओके, मैनेजर की राशि है ये, और हम एक चीज और बोल सकते हैं, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में ये राशि, इस राशि का बहुत बड़ा योगदान है, कभी 6th हाउस एक्टिव, उसकी प्लानिंग अगर वीक है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अब और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये और क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं ना कहीं आपके जो ऑफिशियल चीजें हैं, वर्कशॉप्स हो गए, ठीक है, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो बॉडी पार्ट में कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका लोअर लोअर अब लोअर स्टमक हो गया, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ लोअर स्टमक, ठीक है, क्योंकि स्टमक का पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, जो लीवर है ना, लीवर ये सन रिप्रेजेंट करता है, नॉट मर्क्यूरी, तो उसके नीचे का जो लोअर स्टमक है वो ये रिप्रेजेंट करता है, स्पाइनल को जो पार्ट है, स्पाइन का कुछ पार्ट भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तत्व कौन सा है इसका, इस राशि का, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, अर्थ अभी पृथ्वी एलिमेंट, पृथ्वी अर्थ अर्थ एलिमेंट है, अगर ये अर्थ एलिमेंट है तो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, साउथ ठीक है, ऐसे देखो, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है जी। और मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ इसमें, कर रहा हूँ तो बता दीजिए क्विकली, तो आगे बढ़ते हैं। को रिलेशन में सर हाँ, रिलेशन में मर्क्यूरी, मामा देखो, मामा, बुआ बुआ मामा, बुआ, बिल्कुल सही, आप लोग मामा मौसी ये सब रिलेशन यहीं से आते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस, लिब्रा राशि की बात करते हैं, लिब्रा राशि किसकी राशि है, वीनस की विनस राशि, शुक्र देवता, ठीक है। अब विनस अगेन 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 वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वीनस की, वीनस की एक राशि किस तत्व में आ रही थी, पृथ्वी तत्व में आ रही थी, वीनस की ये राशि किस तत्व में आती है,
एव एलिमेंट में आती है, समझने का प्रयास कीजिए। और वीनस खुद क्या है? जल। तो मैं क्या करूंगा, जल को देखिए राशि का महत्व क्यों जाता है, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग अलग है, एक चीज हमें समझना होगा। एक तरफ जल पृथ्वी में जा रहा है और दूसरी तरफ जल वायु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो पृथ्वी में जा रहा है वो फाउंडेशन की बात कर रहा है, और जो वायु में वो क्या कर रहा है, वो उसकी एक्सपेंशन। एक्सपांशन की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो जिसकी कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर राशि मजबूत है, क्योंकि ये दोनों देखो ना, अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में आपका गला है और आपका ये बैक का पोर्शन है, तो ये दोनों कौन सा है, ये इस ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स। जिसने इन दोनों ज्वाइंट्स को संभाल लिया व्यक्ति हमेशा हेल्दी रहेगा। ऐसे जीवन की हेल्थ की जो गाड़ी है इन दो राशियों के पास है, 2 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। तो अब वीनस तब ये मारक भाव भी बोले जाते हैं। या मारक भाव किस तरह से नहीं लिया जाता, उसको अलग कंसेप्ट है, वो मैं बताऊंगा वो मारक क्यों हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। तो लिब्रा की बात करें तो लिब्रा का स्वभाव क्या होना चाहिए फिर, क्योंकि वीनस एब है, बैलेंसिंग अगेन बैलेंसिंग सेंसिटिव, क्योंकि अगर वायु तत्व का प्रभाव इसे पड़ा तो ये व्यक्ति नकारात्मक भी हो जाता है। इसलिए अक्सर आप देखोगे वीनस वाले लोग या तो आपको बहुत हाई पोजीशन पे मिलेंगे या तो जमीन पे घिसते हुए मिलेंगे। अगर वायु के प्रभाव को संभाल नहीं पाए तो क्या करेंगे, वायु उनको उड़ा के लेके जाएगा, पुश करेगा हमेशा, और हमेशा जीवन उनका हलचल में रहेगा। इसलिए ये राशि बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। और दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हम लोगों ने सबसे पहले लिखना चाहिए था, क्या, बैलेंस्ड, बैलेंस बैलेंसिंग की राशि, इक्वालिटी। पूरे शरीर की बैलेंसिंग, पूरे जीवन की बैलेंसिंग इसी राशि के पास है, ठीक है। और अभी आपका क्या है, स्पाउस है, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ, आपका अदर हाफ। जब भी किसी के रिलेशन को देखना होता हम क्या करते हैं, या तो तुला से देखेंगे या तो सप्तम भाव से देखेंगे, एम आई राइट अब। उसके बाद ये राशि क्या है, बिजनेस की राशि है, बिजनेस की राशि है ना, लिब्रा हमेशा बैलेंस की बात करता है, ठीक है। और बिजनेस, ट्रेड, मार्केटिंग, ये सब आप इसी राशि से देखते हो, ठीक है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप, और यूजुअली ये क्या बोलता हूँ इसको, प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे भी बिजनेस होता है, बिजनेस की उन जगहों को भी आप वीनस से प्रेजेंट करते हो। जहां पे व्यापार होता है उन सब जगह आप तुला को पकड़ लो, जहां भी दुकान खोल के कोई तराजू लेके बैठा हो भी तुला है, ठीक है जी। अब तत्व कौन सा है डेली इसका, इनकम डेली इनकम नहीं है, सॉरी, तत्व कौन सा है इसका, एरी एव एलिमेंट। डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, वेस्ट वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट वेस्ट। और कुछ मैं भूल रहा हूँ, आगे बढ़े। रिलेशन। रिलेशन बता दिया ना, स्पाउस, ओके सर। ठीक है। बिजनेस अब पार्टनर्स ऑल्सो चॉइसेस सर। ले लिया, ले लिया सब। आप, अब मैं हर चीज थोड़ी लिखते बैठूंगा, आप लोग उतने समझदार हो, ठीक है जी। वो तो मैंने डिस्कस कर लिया ना, इसलिए बोला आप लोग पेपर पेन लेके बैठना, नोट डाउन भी करते रहना, ओके। उसके बाद स्कॉर्पियो राशि, इसका मालिक कौन है, मार्स, मास मार्स। मंगल की कौन सी राशि है, दूसरी राशि है, दूसरी राशि ठीक है। मंगल की पहली राशि किस तत्व में थी, अग्नि तत्व में थी, अग्नि अग्नि। ये तत्व, ये कौन सी तत्व में है, जल तत्व में है, जल। देखो डिफरेंस आ जाता है। वो इनिशिएटर थी, ये क्या है, अंत है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। वो इनिशिएटर थी, वो जीवन का आरंभ था, ये जीवन का अंत है। मृत्यु भाव कहा जाता है स्कॉर्पियो को, कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, इसमें विष कहा जाता है, राइट, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, ठीक है। इस राशि को थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। अब क्योंकि स्कॉर्पियो की हम बात कर रहे हैं, तो स्कॉर्पियो राशि किस चीज की बात करता है, कहीं ना कहीं आपके एक, ये भी एक एनर्जी है, नो डाउट, दिस इज ऑल्सो एनर्जेटिक राशि, लेकिन ये एनर्जी राशि उस जल तत्व में फंसी पड़ी है, जल तत्व। तो जब तक उस जल तत्व पे कोई ओवरकम नहीं करेगी, ठीक है, इसका लॉर्ड कौन, मार्स, मंगल ऊर्जावान है, लेकिन वो जल तत्व राशि में फंसा पड़ा है स्कॉर्पियो। तो जब तक उसको ये ओवरकम नहीं करेगा, तब तक क्या आगे जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। तो नहीं ये कहीं ना कहीं उस ट्रांजिशन फेज को बताता है, तो ये ट्रांजिशन की राशि है। ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, ट्रांजिशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होती है, आपको पता है यहाँ इसका स्वभाव कैसा लिखा है, केकड़ा, केकड़े का स्वभाव कैसा होता है आपको पता है, इनके बच्चे भी जब पैदा होते हैं ना, ये एक दूसरे पे ही पहले लड़ते हैं आपस में, और जो सर्वाइव करता है वही आगे बढ़ता है। तो ये सर्वाइवल की राशि है, जब तक आपके अंदर वो चेंजेस नहीं लाओगे आप सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाओगे, ये यही बोलता है, आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अब बदलाव लाने की आपके अंदर क्षमता नहीं है तो कोई आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये राशि सीधा सीधा यही बोलती है,
ठीक है जी। उसके बाद और क्या बोलती है वाशी, क्विकली जल्दी जल्दी बताइए। आपके एंसेस्ट्रल वेल्थ की बात करती है, एंसेस्ट्रल, ठीक है, मतलब और क्या बात करती है, आपके इनलॉज की बात करती है, और क्या बात करती है वैशी, जहां पे भी अच्छा सांप पाया जाता हो, जहां पे जो छोटे छोटे बिल होते हैं ना, बिल, हाँ, जिसे हम बोलते हैं कि अंडरग्राउंड बिल होते हैं, स्नेक के बिल हो गए, कीड़े मकोड़े के बिल हो गए, वो सभी बिल्स जो होते हैं ना, होल्स जो होते हैं, वो सबकी राशि ये है, क्योंकि आपको पता नहीं उस होल के अंदर क्या है, होल के अंदर पूरा अंधकार है, ठीक है। जो भी ये सब की चीजें होती है अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, जो भी चीजें हैं, वह सभी स्कॉर्पियो राशि को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी पार्ट्स में कौन सा हिडन पार्ट है, एक्टिविटी हिडन एक्टिविटी, बिल्कुल बिल्कुल हिडन एक्टिविटी है। बॉडी पार्ट्स में कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करती है, ये प्राइवेट पार्ट्स प्राइवेट है, पार्ट्स में ठीक है। उसमें आपके यूरिनरी पार्ट्स हो गए, ठीक है, जेनिटल पार्ट्स हो गए, यूरेट्रस हो गया, ये सभी, ठीक है। अब इसमें 7 नंबर 8 नंबर राशि में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि 7 नंबर राशि जो है, जो इनर प्राइवेट पार्ट्स है वो, और ये एक्सटर्नल प्राइवेट पार्ट्स को 8 नंबर राशि को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसका तत्व क्या है, वाटर एलिमेंट, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, क्लियर। नॉट सर ओके, सैजिटेरियस की बात करते हैं, सात हाँ जी सर 7 नंबर इनर पार्ट बताती है और 8 आउटर पार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक सर थैंक यू। ठीक है। इनर पार्ट में स्पेशली जो लेडीज के जो यूरेटस होते हैं, ये सब जो चीजें होती है ना, हाँ, वो सब ये हाँ जी होती है, हाँ जी इसीलिए, हाँ जी, इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा जब भी मैं तंत्र को देखता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मेरा राहु से काफी ये रहा है, मैं बेसिकली राहु केतु पे बहुत काम करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल खेल राहु केतु ही कर रहे हैं वो। अभी हम इसमें जब जाएंगे ना, अभी आगे बढ़ेंगे इसी BNN में, तो आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जी सर तो मैंने ये काफी डिटेल डेप्थ में रिसर्च किया, कई महिलाओं को गर्भंत की समस्या हो जाती है, जिनकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं, और सब कई इस तरह की जो समस्या होती है, उसमें आप देखना उनके चार्ट में 7 नंबर की राशि या उससे संबंधित प्लैनेट वीनस कहीं ना कहीं आपको लिंक्ड मिलेगा, जहां पे राहु का मैलिफिक इफेक्ट रहेगा। मतलब वो क्या हो गया कि वो गर्भ को बंधन कर दिया गया है, आपने सुना होगा इस तरह की चीजें होती है, ठीक है, ये सब यहां से होती है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन सी राशि, कौन सा भाव, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे कारक बन रहा है, तो आपको डिकोड करना आसान हो जाएगा, तो आपको समझ में आना आ जाएगा कि मुझे इस बैलेंसिंग को कैसे तोड़ना है। देखिए ये जो चीज होती है ना, ये अच्छे अच्छे तांत्रिक, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे अच्छे पंडित इसको निकाल नहीं पाते, क्योंकि वो क्या है, वह बाहर नहीं है, वो अंदर है, और उसको निकलने का रास्ता ये नंबर, ये 8 नंबर की राशि, मतलब क्या होगा, क्योंकि वो अंदर से उसको खींच करके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकालना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, और ये बहुत कम लोग इसमें आपको मिलेंगे, ये साइंस ही अलग है पूरा ओकल्ट का, ये खैर हम उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, कभी उस पर भी वी विल हैव सम सेशन ऑन दैट ऑल्सो। अब हम बात करेंगे 9 नंबर राशि, 9 नंबर राशि कौन है, जुपिटर, सर रिपीट जुपिटर, जुपिटर उसका लॉर्ड है, धनु राशि, आपका बैकग्राउंड साउंड है प्लीज, ठीक है। अब 9 नंबर राशि जो है, यह भी एक इनिशिएटर है, लेकिन किसकी इनिशिएटर है, सोल की इनिशिएटर है, हमने यहाँ पे जन्म लिया, यहाँ पे हमारी मृत्यु हुई, राइट, हमने यहाँ पे जन्म लिया, हमने यहाँ पे शरीर छोड़ा, यह प्रकृति की राशियां थी, यहाँ पे पूरा प्रकृति रूल कर रही थी। अब उस प्रकृति के बाद आत्मा, यहां से आगे केवल आत्मा जाती है, 9 10 11 12, ठीक है। शरीर छोड़ने के बाद जो पहली इनिशिएटिंग राशि है वह कौन सी है, 9 नंबर, ये कौन सी राशि है, सही ये कौन सी राशि है, धर्म की राशि है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, धर्म देखते हैं, ओके, इसको मैं सेमी कलर रखता हूं, ओके, यहां से हम धर्म देखते हैं, और क्या देखते हैं, यहां से हम लक पिता देखते हैं, पिता, पिता, फादर, और क्या देखते हैं हम यहां से, गुरु भाग्य गुरु देखते हैं, धर्म देखते हैं, और क्या, हायर एजुकेशन लॉन्ग जर्नी लॉन्ग जर्नी देखते हैं, ठीक है, लॉन्ग जर्नी, परफेक्ट आंसर, और क्या देखते हैं, मैं राशि की बात कर रहा हूँ, केवल राशि पे रहेंगे हम लोग, नीज वो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट देखते हैं, थाइस फॉरेस्ट देखते हैं, थाइस फॉरेस्ट देखते हैं, बिल्कुल, और बताते जाइए, तत्व फायर हो गया हाँ, तत्व तो फायर हो गया, बिल्कुल सही, धन्यवाद आपका। तो अगर डायरेक्शन तत्व तो ईस्ट फायर हो गया तो डायरेक्शन ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट हो गया, हो जाएगा ठीक है। सर यहां जैसे से कि ये सबसे आधा इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो पितृत्व, इसीलिए 9th हाउस में या 9 नंबर राशि में अगर किसी के केतु बैठ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, काली जुबान,
कहते नहीं कहते, ट्राई जी सर, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ट्रुथ की बात करता है और केतु क्या है, जड़ की बात है। तो वो अगर उसने बोल दिया, हम बोलते भाई इससे पंगे मत लियो, इससे बोल दिया तो क्या विनाश हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे एक मित्र है, उनके 9th हाउस में केतु है। मैंने उनको ये चीज़ समझा दिया, किसी का बुरा मत सोचना, कुछ भी हो जाए, दुश्मनी क्यों ना हो, बट ये होता है, दिस इज द रियलिटी। उसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, अगले राशि पर चले। सर सर एक मिनट, एक डाउट है सर। जैसे ये आधा नर और आधी नारी है, तो ये क्या वो करती है, इंडिकेट? अच्छा, ये जो सिंबल की बात कर रहे हो आप, जी, अच्छा अब इस सिंबल को समझने का प्रयास कीजिए। इस सिंबल में वो जो व्यक्ति है वो तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है, लेकिन उस घोड़े के लगाम के साथ साथ उसने क्या रखा, तीर पकड़ रखा है। ये किसकी जर्नी है, ये उस आत्मा की जर्नी है जिसने शरीर छोड़ा है इस स्कॉर्पियो में। अब उस आत्मा वो तेज दौड़ना चाह रहा है, लेकिन उसको दिशा कौन देगा, उस फाइटिंग स्पिरिट के लिए वो व्यक्ति देगा, उसका विवेक देगा, उसका धर्म देगा। इसीलिए ये देखो जो पशु है ना, देखो अब ये जो पशु है, ये पशु क्या है, ये हमारे कर्म है जो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको दिशा देने का काम व्यक्ति करे। तीर तीर भी लेके बैठा है वो, कि मुझे डायरेक्शन मिले, मुझे डायरेक्शन मिले, क्योंकि तीर जो होती है ना वो हमेशा आपको दिशा देने की का प्रयास कर रही है, कि मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे इस दिशा में जाना है। ठीक है, और वो विवेक कौन सेट कर रही है। अब इस व्यक्ति की जो जीवन की जो घटनाएं हैं वो किस पर डिपेंड करती है, उसके धर्म पर डिपेंड करती है, उसके कर्म पर डिपेंड करती है। इसीलिए कहते हैं 9th हाउस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज एनी एनी चार्ट। और यही कारण है, जब भी 9th हाउस में राहु मिला है बैठा है, या 9 नंबर राशि में राहु बैठा रहता है, तो व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर लोग आंख बंद करके क्या बोलते हैं, आपको बताऊं क्या कहते हैं, पितृ बाधा। पितृदोष। एम आई राइट? लेकिन जी अगर सर, वही राहु को चैनलाइज किया जाए तो पितृ बाधा पितृ योग में बन जाएगी, योग में कनेक्ट हो जाएगी, योग में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोग तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सभी सिंबल्स का एक सिग्निफिकेंस है, इनका एक स्वभाव है। जैसे हमारे देश की कुंडली जो है उसकी लगन कुंडली टॉरस की है, भेड़, भेड़ क्या होता है, ये जो सॉरी बुल, बुल का स्वभाव कैसा होता है, भोला, ताकत अगले। ताकत है लेकिन भोलापन बहुत है। आपको नजर नहीं आता हमारे हम लोगों में भोलापन? हाँ, कोई भी देश बेवकूफ बनाने का प्रयास करता रहता है, पुरानी घटना है, कई बार पाकिस्तान हर दिन बस धमकी देगा, ये करेगा वो करेगा, घटनाएं कैसे हो रही है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वैसा है। अब आप बोले जैसे पाकिस्तान की लगन कुंडली भी वैसी है, तो वो कौन से दूध के धुले, वो भी तो भोलापन में अटके हुए, उनको अमेरिका चाइना बेवकूफ बना रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड स्वभाव। ठीक है, मर्क्यूरी स्पेशली जी इस राशि में कनेक्टेड व्यक्ति के साथ आप अक्सर देखोगे गर्लफ्रेंड्स वगैरह का कनेक्ट बहुत रहता है, क्योंकि ये राशि के दो लड़कियों को दिखाया गया है, एक प्रेम को दिखाया गया, एक स्नेह को दिखाया गया है। अच्छा, कर्क राशि और स्कॉर्पियो राशि में क्या अंतर है इन दोनों के स्वभाव में, एनी बडी, सिंबल के हिसाब से? हाँ, राशि और स्कॉर्पियो कर्क एक पॉइजनस विलन नहीं है रहता है सर, सर, स्कॉर्पियो पॉइजनस स्कॉर्पियो रहता है, जो है वो पीछे पीछे से डंग मारता है। पीछे हाँ से डंक। हाँ 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 और सर का जो ये स्कॉर्पियो, ये गंदे पानी में रहता है, हाँ और कर्क जो है ये साफ पानी में कर्क रहता जो है। है वो तभी आता है जब एकदम हाई टाइड लो टाइड आता है, तब आएगा वो किनारे पे। देखो समझने का प्रयास अरे कीजिए। पिच्छू तो रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं सर। सर वृश्चिक जो है वो शांत ठीक है, रहता है, वक्त आने पर अपना प्रतिकार लेता है। पहले बात समझिए, इसका स्वभाव हमेशा डंक मारना है, ये दिखाया जाता है, वो बैक से मारेगा, हिडन है वो। ठीक है, आपको इसको टकेल करना तो उसके पहले डंक को पकड़ना पड़ेगा, उसे डंक से बचना पड़ेगा या उसको पकड़ना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे इसके डंक कई बार निकाल दिए जाते हैं पकड़ के। हाँ, वो क्या कह रहा है कि आपके जीवन की जो घटना है अंत घड़ी में आपके कर्मों के प्रारब्ध आपको इस डंक के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे, अंत में आप बचने वाले नहीं हो। वो ये राशि आपको सिग्निफाई कर रही है कि काल पुरुष की अंत की राशि। ये राशि क्या कहती है, ये सुख का भाव है, वो आपको वॉर्न दे रहा है आपको सुख मिलेगा, लेकिन उस इमोशन रूपी नैया को अगर आप कंट्रोल कर रखोगे तो। वो इससे वॉर्न कर रहा है कि बस मैं भी बैठा हूं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, अगर तूने अपने 4th हाउस पे, अपने कर्म पे, अपने उस सुख भाव पे नेगेटिविटी रखी, तो डेफिनेटली तेरे, अगर तूने अपने मन रूपी इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। दोनों जल तत्व है,
यह जीवन का जल तत्व है, यह अंत समय का जल तत्व है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए साफ पानी या गंदा पानी है, याद को मैंने बताया था, तीनों जल तत्व, तीनों अग्नि तत्व, तीनों पृथ्वी तत्व, तीनों आपके वायु तत्व में यस आता है, याद है वो क्लास? यस सर, तब भी ये चार हमने, नंबर नलका पानी। यस, नल का पानी, नदी का पानी मैंने कहा था बेसिकली, अभी हाँ तो हम लोग यस नदी के किनारे बहते, नहीं तो हम लोग नल का पानी बोलते। ठीक है जी, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जा रहे हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मकर राशि, इसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। ठीक है जी, इसका लॉर्ड शनि है। शनि का भी बहुत बढ़िया स्वभाव, इस राशि का स्वभाव कोई बताने का प्रयास करे। यह कौन सा, किस चीज की राशि है? कर्म की राशि है। अगेन कर्म गोइंग बैक टू द बेसिक्स। ओके, ये इसलिए चर्चा करना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कि अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग को जब हम कनेक्ट करेंगे बीएनएन तो इजी रहेगा चीजों को लिंक करना। यस सर। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कर्म की राशि है। और क्या है? डिसिप्लिन डिसिप्लिन की राशि मैम, सिक्स थी, ये कर्म की राशि है अगेन। ठीक है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए जब भी हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं हम हमेशा 10 नंबर या 10th हाउस से देखते हैं, देखते नहीं देखते, क्योंकि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और क्या है? सोसाइटी सोसाइटी सर्विस बोल सकते हैं, परफेक्ट। और स्टेटस स्टेटस, 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 देखिए आप स्टेटस कैसे लेते हो वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेटस के लिए 6th हाउस भी इन्वॉल्व हुआ कहीं ना कहीं, हम इसको डायरेक्टली स्टेटस पे कनेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एलिमेंट कौन सा ही है? पृथ्वी अर्थ, तत्व, अर्थ एलिमेंट, वायु सर, अर्थ, अर्थ एलिमेंट, अर्थ, अर्थ, पृथ्वी पृथ्वी, अर्थ तत्व, एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, परफेक्ट। पृथ्वी तत्व, और डायरेक्शन साउथ, डायरेक्शन साउथ, डायरेक्शन साउथ साउथ, और बताते जाइए। सर, नीज को रिप्रेजेंट करती है। नीस, घुटने, कोई कहता ना मैं घुटने में बहुत तकलीफ है, 10 नंबर राशि तुरंत देख लेना, पता चल जाएगा क्यों तकलीफ है। आंख बंद करके बताना क्वेश्चन सर, इसी पे स्टिक रहिएगा। अभी हम इसमें दे तो थोड़ा हो जान दीजिए, 11 12 हो जान दीजिए, क्वेश्चन आ जाता है तो जी चीजें सर। अटक जाती है फिर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस का लॉर्ड भी कौन है? सैटर्न सैटर्न। सैटर्न, सैटर्न वैसे मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की लगभग 3 4 क्लासेस लूंगा, ये मुझे पता है, 2 3 क्लास, 3 क्लास तो होगी होगी, कल होगी बस, वो बात अलग है। रिलेशन में क्या होगा जी? 10 नंबर राशि, बताइए मदर आप, इन लॉ, आप बताइए। सासू माँ, बिल्कुल सही कहा, बोलो क्यों? 7th हाउस आपकी वाइफ है, वाइफ की माँ, कुंडली टिल्ट कर सेवन दो, सिटी। सासू माँ, परफेक्ट आंसर, समझदार हो गए आप लोग, एक्सेलेंट। नहीं, ठीक है, तो एक्वेरियस की वायु बात तत्व करते, एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस राशि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? बताते डेथ जाइए। लॉ, दोस्तों को रिप्रेजेंट कर रही है भाई साहब, सर्कल, फ्रेंड्स। अब मुझे बताइए, इसका इसको डीलर, इसका को लॉर्ड कौन है? राहु। राहु राहु, राहु राहु आप उन्हें दोस्ती नहीं करते ना यार, राहु से आप अपने पितरों से दोस्ती नहीं करते, इसीलिए तो जीवन की घटना सब घटित हुई है। अगर आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? उनसे ज्यादा खतरनाक कोई एनिमी नहीं हो सकता, दुश्मन बस नहीं हो सकता प्रॉब्लम सॉल्व, आपके एनिमी। सामने, आपके सामने आ गया है प्रॉब्लम का है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, 11th हाउस बेसिकली एक ऐसा हाउस है, क्योंकि यहाँ पे राहु इन्वॉल्व है, यहाँ पे सैटर्न इन्वॉल्व है, जितने सीक्रेट सर्विसेज होते हैं कहीं ना कहीं आप नजर आओगे राहु इन्वॉल्व होगा या 11th हाउस इन्वॉल्व होगा। सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट मिशन, रॉ एजेंट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। ठीक है, तो सीक्रेट राशि में कहीं ना कहीं इसका संबंध भी आता है आफ्टर वृश्चिक। ठीक है, रिसर्च का दूसरा भाव भी कह सकते हैं हम लोग 11th हाउस, 11 नंबर की राशि। और बताइए क्या ये पेंडिंग करवा सीक्रेट प्लेसेस हो गए, उसके बाद विलेजेस हो गए। ठीक सर, है, ये सब चीजें यहाँ पे आता है। ओल्डर सिबलिंग, हाँ,
एल्डर सिबलिंग्स हो गए, बिल्कुल सही कहा, एल्डर सिबलिंग्स। जिसका म्यूट, जिसका प्रॉब्लम है भाई प्लीज म्यूट कर लीजिए, वही चीज मैं बाबा बोलता हूँ, रिक्वेस्ट डिजायर है। बोल सकते, डिजायर गेन गेन हाँ देखिए भाव में डिजायर है, राशि की बात कर रहा हूं मैं, अगेन प्लीज मिक्स मत कीजिए दो अलग अलग चीजों को, ठीक है। बॉडी इलेवेंथ, पार्ट एंकल इलेवेंथ हाउस, बॉडी पार्ट एंकल बोल सकते हो, सर, ये करीब काफ्स काफ्स आएंगे, आएंगे, काफ्स आएंगे, काफ्स काफ्स आएंगे, काफ्स आएंगे। और प्लीज म्यूट कर लीजिए यार सुनीता मैम, प्लीज, किसी का बैकग्राउंड साउंड है, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग, ठीक है। जिसका साउंड है बैकग्राउंड वो ना बोले प्लीज, डिस्टर्ब होता है फिर, मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। काफ्स आ गए, वेन्स का संबंध भी कहीं ना कहीं इस एलिमेंट राशि ये से है। उसके बाद यह है एयर एलिमेंट, और डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट वेस्ट, सर वेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम पाइसिस पे क्विकली जाते हैं, पाइसिस का जो संबंध है वह किस प्लैनेट से है, जुपिटर से, जुपिटर जुपिटर, जुपिटर ठीक है जी। जल तत्व जाएंगे, जाएंगे तब तो पी जाएंगे मैम। मीन नंबर राशि, ये क्या है, ये एंड की राशि कही जाती मोक्ष है इसको, मोक्ष क्या मोक्ष मिलता है यहाँ पे जाने से, कहते कर्मों हैं लोग, कहते मिलेगा बोलो, ये बोल दो लोग कहते हैं, हमने सुना है, क्यों। सर। सेवल मैम म्यूट कर लीजिए, अब आप लोग को कितनी बार बताऊं एक ही चीज, प्लीज आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये आप लोग चाहते हो कि मैं केवल वीडियो बना के डाल दूं, वैसा तो नहीं चाहते हो ना आप लोग, डिस्कशन चाहते हो ना। जी सर हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए ये 12 नंबर की जो राशि होती है ना, ये जुपिटर की वो राशि है जो कि एंड है, एंड है, बट वो एंड के साथ साथ एक स्टार्ट की भी इंडिकेशन दे रही है। वो ये कहती है कि एंड, कभी कोई चीज एंड नहीं होती है, एवरी एंड हैज अ स्टार्ट। यहाँ पे शरीर का अंत हुआ तो यहाँ पे आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई, दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ पे आत्मा अपने कर्म बंधन से आगे बढ़ रहा है, तो वो वापस से एक दूसरे जर्नी की तरफ आगे बढ़ेगा, विच इज नथिंग बट नेक्स्ट लाइफ। ये टाइम टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो यह जो राशि जी है यह ओकल्ट की एक्सट्रीम राशि है, मतलब बोलते ना कर्म कहो ओकल्ट कहो, उसकी एक्सट्रीम राशि है। और इस राशि से हम क्या देखते हैं पता है, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, या इन्वेस्टमेंट तो भाव से देखते हैं हालांकि, लेकिन जो 12 नंबर की अगर मैं राशि कहूँ तो इसको देखो, दो मछलियों को दिखाया गया जो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, वो उस चक्कर की बात कर रहा है। उस देखो ये तो कर्म बंधन है, ये आप मतलब ये इसको मैंने क्यों कहा सीक्रेट राशि, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस कुंभ में क्या आ रहा है, लेकिन अगर आप इस मीन राशि को देखेंगे, दो मछलियों को हमेशा दिखाया जाता है, वो मछलियां एक दूसरे को सर्कल कर रहे हैं, मतलब उस कालचक्र की बात कर रहा है, कि वो ये कह रहा है कि कालचक्र कभी खत्म नहीं होता है, देर इज नो एंड। और यही कारण है कि जितने ओशंस है उनको ये रिप्रेजेंट करता है, जहां पे भी नदी का संगम होता हो वह पॉइंट स्पेशली इस राशि को रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि कोलकाता में जो संगम है गंगा नदी का या ब्रह्मपुत्र नदी का, उसका बहुत बड़ा महत्व है, वो बेसिकली नथिंग दैट इज अ मीन राशि। जिसको भी मीन राशि संबंधित दिक्कत हो उस व्यक्ति को उसी संगम में जाकर स्नान करना चाहिए, ठीक है जी। और क्या है ये, एनीबॉडी रिसर्च रिसर्च बोल सकते हो, बट नॉट डायरेक्टली, क्योंकि रिसर्च के लिए दो भाव, दो राशियां बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 8 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। साधारण साधारण एक एक चीज में ना, टेंपल एक 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 मिनट, एक मिनट, एक चीज में हमेशा कहूंगा, क्योंकि ये भी एक जल तत्व है, तो ये भी एक सेंसिटिव राशि है, ठीक है। प्लैनेट एसोसिएटेड जो है वह है आकाश तत्व, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट ये हिडन फॉर्म में इम्पैक्ट करता है, तो इसकी जो सेंसिटिवनेस है वो किस पे जाती है पता है, ये सीधा सोल से कनेक्ट होती है, सोल मतलब सूर्य। इसलिए जिसका भी 12th हाउस में सूर्य बैठा हो या फिर केतु बैठा हो, हम बोल सकते हैं कि उसके पास हायर कनेक्ट है, उसको सिक्स सेंस की भी अपॉर्चुनिटी रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशली अगर मीन राशि में हो कनेक्टेड, इस बात का थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करना, किसी के मीन राशि में सूर्य या केतु बैठा है, एनीबॉडी, जी सर मेरे जी हैं सर मेरा बैठा ठीक है। सिक्स सेंस कैसा है आपका, जी बढ़िया है सर चीजें फोरकास्ट कर लेते हो ना कई बार, जी ये सर कौन कर रहा है पता है,
यह वो बिल्कुल, राशि का स्वभाव करता है, ठीक है, क्योंकि उसका ओके स्वभाव है वो, वहां पे सही प्लैनेट बैठ गया आपके, जो भी कारण हो, ठीक है। अब इसका तत्व कौन सा है, वाटर एलिमेंट, और इसका डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ, नॉर्थ। उत्तर, ठीक अब है। बीएनएन इन राशियों को नहीं लेता है, लेकिन जो हम चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे कि वो जो प्लैनेट है वो इनमें से किसी ना किसी राशि में बैठे मिलेंगे। जब आप उन प्लैनेट को उन राशियों में बैठे पाओगे तो कहीं ना कहीं आप इनके स्वभाव से तो परिचित हो जाओगे ना, कि भाई इस राशि का ये स्वभाव है, इस राशि का ये स्वभाव है, इस राशि का ये स्वभाव है, राइट। मकर में देखो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, एक भेड़ को दिखाया जाता है इस तरह से, राइट। हाँ, वो क्या कर रहा है, वो केवल कर्म की बात कर रहा है, भाई तुझे सिर्फ लगे रहना है। और कुंभ में क्या दिखाया जाता है, घड़े की दिखाया जाता है। देखो इन सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स बहुत कुछ सिग्निफाई करते हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मीन नंबर राशि में किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी पार्ट्स को, ये फीट, एंकल, फीट, टू फीट, फीट, फीट को। ठीक है जी। अब किसी पे को आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बताए कि इससे मेरे फीट में चुभन होती है निचले के हिस्से में, एनी बडी, सर मुझे इसे मेरे होती को है, होती है, तो होती पैर है। में आठ आठ में फुट में। अब अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, वैद्य के पास जाओगे, वो बोलेंगे वायु विकार है। किसने बताया, कि कोई डॉक्टर के पास गए कभी इसको लेकर के? हाँ जी सर, सब यही बोलते, गैस की वजह से है, ऐसे भी गैस किया की वजह से वायु विकार ना। और जी। अगर मेरे पास आओगे तो मैं क्या बोलूंगा पता है, क्या बोलना चाहिए मुझे बताओ? वायु तत्व वाटर, संभालना है तो जल हाँ जी वाटर रिटेंशन, सर जी, मैं ये कहूंगा, जल तत्व अपलिफ्टेड है। मैं बोलूँ ये क्या है, ये राहु की पॉइजनिंग है, यह तंत्र है, तंत्र तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करने का ये माध्यम है। इसीलिए जब कभी किसी को ओकल्ट या तंत्र किया जाता है, ठीक है जी, उसमें इस मीन राशि का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब जा रहा है तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी ली जाती है तंत्र में, सुना है आपने ये सब तंत्र की, जिसको आइडिया होगा जी उनको सुने पता सर, है। सुने पैर के नीचे की मिट्टी का सर, मतलब क्या है, उस फिट के नीचे की मिट्टी मतलब क्या है, मीन राशि, समझ गए बात। जी जिसको पैर में चुभन होती है उसकी मीन राशि में कोई प्लैनेट बैठा है, राहु, सर, जुपिटर ही बैठा है मेरे में। जुपिटर ही बैठा है। जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा है, इज इट इन केतु नक्षत्र नहीं, मीन यानी राशि में नहीं मकरी, है सर, 12th 12th हाउस में है। 12th हाउस, छोड़ो छोड़ो मेरे मीन राशि की बता रहा हूँ, मीन, चंद्रमा एक एक मिनट, एक मीन एक राशि एक में करके राहु है सर, भाई साहब, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, आपके मंगल मीन में मीन राहु, है जी आपके मीन में राहु है ना, जिनको पैर में चुभन हो रही है, सर, ठीक है। जी मैम सर मेरे हैं मैम सर, आपके मीन राशि में कौन कहाँ क्या कौन सा प्लैनेट है मैम? नहीं कोई नहीं है सर, कोई नहीं है कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। जुपिटर आपके सर, 12th हाउस शनि में, राहु सर, अरे यार भाई चंद्रमा है साहब, मैं चंद्रमा। सबको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मैम को पूछ रहा हूँ। शिखा मैम आपका नाम है, रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, फिर मैं कोई किसी का मैसेज नहीं जा पाएगा ना। शिखा मैम, मैं सिर्फ जी नहीं सर, कोई नहीं है मैं केवल मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जी, कैसे होगा। जैसे अभी सर ने बताया कि उनके मीन राशि में राहु बैठा है, तो कंफर्म हो गया इट्स द राहु द कल्प्रिट, जो कि उनके फीट के माध्यम से तंत्र को कनेक्ट कर रहा है। आपके केस में मैम एक चीज देखना, आपका 12th लॉर्ड जुपिटर, सॉरी 12 मीन राशि का जो लॉर्ड जुपिटर है वो 12th हाउस से बैठा हुआ है, ठीक है जी। सर आपका मेरा, हाँ जी बैठा हुआ है लगन कौन सा शिखा मैम? सर, मेरा 8th वृश्चिक लगन है और मेरा 5th लॉर्ड जो उस पे बैठा हुआ है, हाँ जी, अभी ट्वेल्थ अभी इतने सवाल, जितना पूछो उतना ही जवाब दो। 12th हाउस जी। में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है जुपिटर, नक्षत्र इज मे इट इन राहु नक्षत्र अगेन, बी सर, 7 नंबर अभी राशि बनी ना बताते वहां हैं। पे मैम, हाँ जी 7 नंबर बने तो राहु का नक्षत्र बनता है ना वहां पे मैम, जी सर, जी सर, विश डिकोड हो गया। और कोई जी है सर, जिसके पैरों में चुभन होती है? जी सर मेरे होती अच्छा, आपका मीन राशि में कोई प्लैनेट बैठा है? है तो केतु बैठा है, वो भी डिकोड हो गया। अब आपका राहु की वजह से हुआ, इनका केतु की वजह से हुआ, लेकिन राहु केतु अलग नहीं है, एक ही है, ओके तो क्या समझ में आया?
कि जो ओकल्ट हमारे जीवन में आती है, देखिए हम यहाँ पे मैम चार्ट नहीं देख रहे, इसलिए प्लीज आप लोग अदरवाइज मत देना, मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जीवन में जो ओकल्ट की घटनाएं होती है वह कहाँ से होती है, या तो आरंभ से होगी या तो अंत से होगी, समझने का प्रयास कीजिए। और मीन राशि जो कि जुपिटर की राशि है, जब कोई तंत्र पूजा द्वारा, जप द्वारा, तप द्वारा जिया जाता है, तो वह जुपिटर की मीन राशि से आती है, तो आप महसूस करोगे आपके पैर में चुभन होती है। ठीक है, लिंकेज समझ में आ गई ओके बात को। यह जी बीएनएन का पार्ट नहीं है, बट बीएनएन से लिंक है। हमने क्या किया, उस राशि के स्वभाव को पकड़ा, हमने जुपिटर और राहु के स्वभाव को पकड़ा, हमने लिंक किया। अभी हम और आगे बढ़ेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक प्लैनेट को। मतलब आपको अगर आपने ढंग से समझ लिया ना बीएनएन को, आपको चार्ट देखना, कॉलम को समझना, बच्चों का खेल नजर आने लगेगा। ठीक है, क्लियर? जो पैर के पीछे हड्डी बड़ी होती है वो भी राहु वो केतु की ना पॉइजन ना ही ना, होती दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, छोड़ दो वो। वहां पे हड्डी मतलब सन, ठीक है, जी। और एडी मतलब ओके मीन राशि, वहां पे सन का रिलेशन है। अब वो बड़ा है, बढ़ाने का काम कौन करता है, जुपिटर भी कर सकता है, राहु भी कर जी सकता है, दोनों करता है। जुपिटर भी एक्सपांशन है और बड़े लेवल का एक्सपांशन राहु है। जुपिटर बढ़ाता है बट इन अ लीनियर प्रोपोर्शन, और राहु क्या करता है, जबरदस्त एक्सपांशन। आप जी देखोगे कई लोगों के पैर एकदम बढ़ जाते हैं, कई लोगों का साइज एकदम बढ़ जाता है, कई लोगों का कुछ पार्ट का बॉडी का पार्ट एकदम बड़ा रहता है, यह सब राहु है। और कई लोगों का पार्ट एकदम छोटा हो जाता है, जो छोटा करने का काम कौन करता है, केतु केतु करता है।